अभी हम बाबा गरीबनाथ मंदिर के यहाँ पर आना चाहे विशेष तरीके से आरती किया जा रहा है, जिसको भक्तों का साधन लगा हुआ देख सकते हैं। हर महादेव के नारा गुजर जा रहे हैं और देख सकते भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और आपको बता दें कि हर हर महादेव के नारा गुजर जा रहे हैं और जिस तक देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हर हर महादेव का नाम का नारा गुजर जा रहा है। देख सकते किस तरीके से श्रद्धालुओं को क्या कहिएगा, महाआरती हुई है, जय भोलेनाथ, क्या कहिएगा इस तरीके से आरती में भाग लिया, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा कहेंगे, और क्या कहेंगे? इस तरीके से आरती हुई है, बहुत अच्छी हुई है, और तरीके से आरती का आयोजन किया जा रहा है। आप सुनिए भक्तों का क्या कुछ कहना है, पुजारी का क्या कुछ कहना है इस आरती को लेकर, आप पहले वो सुनिए। देखिए पहले सोमवारी पे जो शुरू से परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा के अनुसार आज भी हम लोग किए हैं। बाबा गरीबनाथ जी का फूल से, पान के पत्तर से, भांग के पत्तर से और गुलाब से बाबा गरीबनाथ जी का महाशिंगार आरती की है। आज पहली सोमवार के उपलक्ष्य में हर साल हम लोग फूल का कलकत्ते के फूल से बाबा का श्रृंगार करते आ रहे हैं। जो आज श्रृंगार हुई बाबा की श्रृंगार कलकत्ता से फूल आती है, सारे फूल जो यही होने लगा। आज की मान्यता है कि सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा को धारण करने वाले महादेव है ना, चंद्रमौली भी उनका नाम है, इसलिए उनका आज विशेष श्रृंगार किया जाता है सोमवार के दिन में, आज सावन के महीने में और ज़्यादा। इस बार आठ सोमवारी है, इसका क्या महत्व? आठ सोमवारी है तो चार तो सप्तम मास में चला जाएगा, दो पहले का दो लास्ट का, ये दो सोमवार शुद्ध है और वो चार जो बचेगा वो पुरुषोत्तम मास में जाएगा। उसको भगवान श्री कृष्ण उसको अपने नाम दिए हैं, पुरुषोत्तम बनाए हैं, इसलिए उसको उसका नाम पुरुषोत्तम मास है। मन मास तो था ही, लेकिन उसको भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम देकर उसको सम्मानित किया है। तो आपने सुना कि हम यहाँ के पुजारी ने क्या कुछ, उन्होंने बताया कि हर साल की वर्त इस तरह भी भव्य आरती का आयोजन किया गया जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है और हर हर महादेव और बोल बम के नारे से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा और सब भक्तिमय हो गया। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।